जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्रीहरि में। हे कृष्णा, अंतर मन में श्याम बसे धड़कन में राधा रानी हो, अंतर मन में श्याम बसे धड़कन में राधा रानी हो, निज सांस की उथल पुथल में मुरली की तान सुहानी हो, निज सांस की उथल पुथल में मुरली की तान सुहानी हो, काम क्रोध का वास न हो, लोभ मोह सब खो जाए, प्रभु चरण में मिले चाकरी और ये मन वृंदावन हो जाए, प्रभु चरण में मिले चाकरी और ये मन वृंदावन हो जाए, और ये मन वृंदावन हो जाए। तो दोस्तों, एक बार आपके लिए फिर से लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक अनमोल संदेश, जो आपकी जिंदगी को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा। तो आज का संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण आज अपने भक्तों को क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को कहते हैं, ये कलयुग है जनाब, लोग दूसरों की तकलीफ को उनके कर्मों का फल मानते हैं और खुद की तकलीफ को परीक्षा। अजीब इंसान है इस कलयुग का, इस कलयुग की दुनिया में जब खुद पर बीते तो आह करते हैं और दूसरों पर बीते तो वाह कहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगों को ही नारायण मिल जाए, भोले भाले लोगों को ही नारायण मिल जाए। ऐसे ही कलयुग के कुछ लोग अपने को बहुत ही सातिर समझते हैं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं जिसने उन्हें बनाया है वो कितना सातिर होगा, उसकी नजरों से कुछ नहीं छुप सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़ के चलता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो समझ जाना वह बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है, और अगर कोई अकड़ दिखाने में व्यस्त है तो समझ जाना कि वह बहुत ही जल्दी नीचे गिरने वाला है। अभी तू ही सोच कि तुझे अकड़ दिखाना है या झुक के चलना है, लेकिन झुकते झुकते तुझे एक बात याद भी रखनी है, झुकना भी वही है जहाँ आत्मसम्मान सही सलामत रहे। तुझे झुकना है तो अपने क्रोध के सामने झुक, अपने इस कृष्णा के सामने झुक। एक बार जो मेरे सामने झुक जाता है उसे कभी भी किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। हर एक में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों को देखकर जीने की कोशिश करते हैं और दूसरों की तरह जीने में जो खुद का समय गवा देता है, ऐसा व्यक्ति खुद की जिंदगी कभी सवार नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी खो जाती है। इसीलिए मैं तुझसे कहूँगा, खुद की प्रतिभा को देख, खुद की खूबी को पहचान, दूसरों के जैसे बनने के चक्कर में अपने अंदर के हुनर को, अपने अंदर की इंसानियत को कभी बिकने मत देना। खूबसूरत चेहरा बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, औदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है और मेरी नजरों में वो एक सच्चा भक्त कहलाता है, मेरी नजरों में वो एक सच्चा भक्त कहलाता है। अरे, जो दूसरों को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है, इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले ये अवश्य सोच लेना, इसी दुख का वज्र अगर तेरे ऊपर गिरेगा तो तुझे कैसा लगेगा। अरे, जिस प्रकार बिच्छू को यह पता नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं बल्कि उसे भी लग सकता है, उसी प्रकार दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसके द्वारा किए गए दुष्कर्म
घूम फिर कर उसके पास ही लौट कर आते हैं। जो दूसरों को जितना ज्यादा तकलीफ देता है, उतनी ही तकलीफ उतना ही दर्द उसे भी अपने नसीब में मिलता ही है। ये कर्मों का फल है, ये किसी को भी नहीं छोड़ता। अरे, दुख सहने वाला व्यक्ति आगे जाकर सुखी हो सकता है, लेकिन किसी को दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। और अगर तेरे हिस्से दुख आया है तो समझ ले, भगवान ने तुझे दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं। किसी को पाने के लिए इतना भी कमजोर मत बनो, किसी के सामने इतना भी मत झुको कि तू एक दिन खुद के नजरों में ही झुक जाएगा, खुद के ही नजरों में गिर जाएगा। अरे, तू किसी को तब तक ही झुका सकता है जब तक वह झुकना चाहता है, तेरी एक आवाज पर वह रुकना चाहता है। मगर जिस दिन वह ये इच्छा ही तोड़ देगा, तब वह सारी सीमाएं भी तोड़ देगा। फिर तू चाहे लाख कोशिश भी करेगा, फिर भी वह तेरी ओर मुड़कर नहीं देखेगा, तू बस आवाज देता रहेगा। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दे, क्योंकि जो जाने की जिद करता है असल में वो तेरा कभी होता ही नहीं है, और जो तेरा है वह दूर जाकर भी वापस तेरे पास आता है। इसलिए जिंदगी में स्वार्थी लोगों को पहचानना सीख, जिसका मकसद केवल स्वार्थ होता है, ऐसा व्यक्ति किसी का भी नहीं हो सकता है। अरे, ऐसे व्यक्ति तो भगवान पर भी उंगली उठाते हैं। तू तो बस एक इंसान है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से तू जितना दूर रह सकता है उतना दूर रहने की कोशिश कर, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है तुझे, तेरी भावनाओं को। तेरी पूरी जिंदगी पर इसका असर होता है। अपनी जिंदगी अगर तू संवारना चाहता है, अपनी जिंदगी में अगर तू कामयाब होना चाहता है, तो ऐसे स्वार्थी लोगों से रिश्ता रखने से अच्छा तू अकेले रहना सीख, और इस अकेले रास्ते पे चलते चलते तू बस मेरा नाम ले। इस कृष्णा का जो नाम लेता है, कृष्णा उसका हाथ स्वयं थामता है, और उसकी मंजिल की ओर कृष्णा ही लेकर जाता है। अगर तुझे इस बात का अनुभव लेना है तो मेरी भक्ति कर, मेरा नाम ले। मेरा भक्त जब मुझे मेरा नाम लेके पुकारता है ना, तो मैं उसकी मदद अवश्य करता हूँ, उसे अकेला नहीं छोड़ता हूँ। एक बार अगर तूने मुझे अपने हृदय में स्थान दे दिया, तो तू चाह कर भी मुझसे अलग हो नहीं सकता। ऐसे वक्त में, ऐसी घड़ी में मैं अपने भक्तों से बस एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का यह संदेश आपने सुन लिया होगा। तो आजकल की ये जो दुनिया है, जो ये कलयुग है, इस कलयुग में ऐसा ही होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छे से रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमसे केवल स्वार्थ के लिए जुड़ा होता है, जब तक उनका मतलब हमसे पड़ता है तब तक वो हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब उनका मतलब हमसे निकल जाता है तब वो हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में हैं, तो अच्छा है वो आपसे दूर ही चले जाएं, क्योंकि आपके भविष्य के बारे में भगवान से ज्यादा और कोई नहीं जानता है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाना चाहता है, तो समझ लो कृष्णा की ही मर्जी है, क्योंकि वो जो भी आपके लिए करते हैं सब कुछ सही करते हैं। तो दोस्तों, यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।